अगर देखो इस वाले प्रॉब्लम को तुम देखोगे तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर मोमेंटम पी यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे टाइम दिया हुआ, यहाँ पे टाइम है, यहाँ मोमेंटम है, एक ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन है। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ग्राफ वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब मोमेंटम ऑफ फोर्स का ग्राफ है तो फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, ये कौन सा पॉइंट है, और फोर्स मिनिमम कहाँ होगा, ये कौन सा पॉइंट है, इसकी हमें प्रिडिक्शन करनी है ग्राफ को देख के। ठीक है, तो सबसे पहले जो फोर्स होता है उसका डिफिनेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से डी पी जो फोर्स मैक्सिमम होगा जब स्लोप डी पी अपन डी टी क्या है भाई, स्लोप है, तो जो स्लोप है वो चीज़ मैक्सिमम होगी। तो स्लोप जो मैक्सिमम होगी उस वक्त डी पी अपन डी टी मैक्सिमम होगा। तो मेरे भाई स्लोप कब मैक्सिमम होगी, यहाँ से तुम देखोगे तो स्लोप कब मैक्सिमम होगी, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, तो सबसे ज़्यादा अगर स्लोप देखोगे यहाँ पे तो मॉड लगाओगे तो सबसे ज़्यादा स्लोप तो ये वाला एंगल ये है, सबसे ज़्यादा स्लोप ये वाला, तो ये एंगल सबसे वैल्यू में अधिक है, तो सी का सबसे ज़्यादा स्लोप है। तो जो सी का जो सी है उस पे सी लाइन है उसका स्लोप डी पी अपन डी टी मैक्सिमम है, तो फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब सी पे मैक्सिमम होगा। तो या तो ये सही है या तो ये सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। मिनिमम कब होगा, जब स्लोप डी पी अपन डी टी की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, तो उस वक्त जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। तो स्लोप मिनिमम कब है, स्ट्रेट लाइन बी पॉइंट पे कर्व स्ट्रेट लाइन होना चाहता है। कुल मिला के अगर तुम अब इस हिसाब से तुम देखोगे तो ये जो अपना वो सी ऑप्शन सही हो जाता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये तो पहले ही गलत था, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।